हेलो एवरीवन, तो आज हम शुरू करने वाले हैं सीबीएसई क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट से, जो कि है अ लेटर टू गॉड। और आपको सबको शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है एक फार्मर यानी कि एक किसान की, और उस किसान को भगवान में यानी ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। और एक बार क्या होता है कि जो उसकी फसल है वो हो जाती है ख़राब। अब उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, तो वो भगवान को पत्र लिखता है। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, ठीक है। और भगवान को पत्र क्यों लिखता है? भगवान से कहता है कि मुझे कुछ पैसे भेज दो। अब क्या भगवान उसे वो पैसे भेजते हैं, क्या भगवान की तरफ से कोई लेटर आता है या नहीं आता, वो अब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अब ये बता रहे हैं लेंचो जिस घर में रहता है उस घर की विशेषता बता रहे हैं कि पूरी की पूरी वैली में, पूरी घाटी में सबसे ऊपर वाली क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी मतलब जो पहाड़ी है उसके ऊपर, उसकी चोटी पर, क्रेस्ट का मतलब है चोटी पर, एक ही घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और इतनी ऊंचाई से वहां से क्या दिखाई देता था, किसी को भी दिखाई देती थी, जो नदी बहती थी वो दिखाई देती थी, और जो लेंचो जो फसल उगाता था कॉर्न की, मक्का की, और उस पर जो कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, मतलब दूर से वो डॉट डॉट दिखाई देते थे, जो उसके जो फ्लावर्स हैं वो दूर से उस चोटी से फ्लावर्स की तरह दिखाई देते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पावर और एटलीस्ट अ शार। अब भाई किसान है, किसान ने अपनी मेहनत कर दी, फसल मतलब क्या नाम है बो दी, अब उसे केवल पानी की ज़रूरत है, ठीक है। तो पानी की ज़रूरत है, पानी के लिए वो किस पर डिपेंडेंट है? बारिश पे। तो देखो यहाँ पे दो वर्ड का यूज़ हुआ है, द ओनली थिंग अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पावर और एटलीस्ट अ शार। या डाउन पावर का मतलब है तेज बारिश, और शावर का मतलब है चलो हल्की फुल्की बारिश हो जाए, कुछ तो ज़रूरत थी उसे पानी की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, देखो फार्मर का नाम आ गया है, आप सबको ये स्टोरी पढ़ते वक्त छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसे किसकी ज़रूरत थी, उसे ज़रूरत थी थोड़ी बहुत बारिश की। और जो किसान है उसका नाम क्या है? लेंचो है। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब पूरा सुबह सुबह उसने आज कोई काम नहीं किया, लेंचो जो कि अपने फील्ड को बहुत अच्छी तरह से जानता था, वो बस किसकी तरफ देख रहा है? आसमान की तरफ देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और उसे किसका इंतज़ार है? बस बारिश होने का उसे इंतज़ार है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब यहाँ पर लेंचो वुमन मोस्ट प्रोबेबली यूज़ हुआ है उनकी वाइफ के लिए, लेंचो की। वो अपनी वाइफ से, जैसा होता है ना बादल बिजली गड़गड़ाती है और बादल आ जाते हैं तो हमें लगता है कि भाई बारिश होने वाली है, तो वही चीज़ हुई है। तो अब वो लेंचो कहता है अपनी वाइफ से कि जल्दी ही हमें पानी मिलने वाला है, यानी कि बारिश होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। अब जो औरत थी यानी कि जो उसकी वाइफ थी जो खाना बना रही थी रात का, सपर बना रही थी, तो वो कहती हाँ हाँ बिल्कुल ईश्वर की इच्छा हुई, गॉड विलिंग का मतलब ईश्वर की इच्छा हुई तो जरूर बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। अब जो बड़े बच्चे थे यानी कि लेंचो के बच्चों की बात हो रही है, लेंचो के जो बड़े लड़के थे वो तो खेत में काम कर रहे थे, लेकिन जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास ही खेल रहे थे, और वो तब तक ये काम चलता रहा जब तक कि उसने औरत ने यानी कि लेंचो की वाइफ ने उन सबको बुला नहीं लिया कि आओ भाई डिनर करो, खाना खाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। और जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, प्रिडिक्टेड का मतलब है, प्रिडिक्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, तभी खाना जैसे ही उन्होंने शुरू किया तभी बारिश की बूंदें गिरने लगी बड़ी बड़ी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट दिशा में यानी कि उत्तर पूर्व वाली दिशा में बादलों को देखा जा सकता था अप्रोच करते हुए, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी वो भी बहुत मतलब फ्रेश थी और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी।
अब भाई किसान है, किसान आदमी है बेचारा, इतनी मेहनत कर के करके उसने बीज डाला है, सारे काम किए हैं, अब जिस बारिश का इंतजार कर रहा था वो बारिश होने लगी तो वो बाहर चला जाता है और उस बारिश को अपनी बॉडी पे फील करने के लिए, मतलब उसे अच्छा लग रहा है, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ठीक है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। और जब वो वहाँ से लौट के आता है थोड़ा सा बारिश में भीग के, तो वो कहता है ये बारिश नहीं हो रही है, ये हमारे लिए सिक्कों की तरह है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। वो कह रहा है उन सबसे, अपने घर वालों से, कि ये जो बड़ी बड़ी पानी की बूंदे हैं ये 10 सेंट के पीसेज हैं, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना 10 रुपये इंडिया के, 10 एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे हैं, जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। तो यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे लेंचो कहना ये चाह रहा है कि ये जो पानी की बूंदें हैं जब ये हमारे इसमें जाएंगी, हमारे इसमें खेत में जाएंगी, तो उससे क्या होगी, हमारी फसल अच्छी होगी, और जब हमारी फसल अच्छी होगी तो मैं इन फसल को बेचूंगा और इनसे मुझे जो पैसा मिलेगा, तो ये उस सेंस में कह रहा है, इसलिए मैं इससे मैं पैसा कमाऊंगा खूब सारा। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन। अब वो मन में, जाहिर सी बात है, जिस चीज़ की उम्मीद थी वही हो गई, अच्छी बात हो गई, तो मन में कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड है। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। अब वो अपने अपने जो फील्ड हैं और उसके जो फ्लावर्स हैं जो कि अब भीग गए हैं, कॉर्न के जो फ्लावर्स हैं, मक्के के जो फ्लावर्स हैं जो अब भीग गए हैं, वो उन्हें ऐसे मतलब अनुमान लगा रहा है जैसे कि किसी पर्दे के ऊपर जब बारिश या पानी गिरे तो वो भीग जाता है, उसी तरह से उसकी जो फसल है वो अब पूरी तरह से पानी में भीग रही है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उसे पानी का ही इंतज़ार था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। लेकिन अचानक से ही क्या हुआ, बहुत तेज आंधी सी आने लगी और उसके साथ साथ हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स क्या होते हैं, ओले, सफ़ेद सफ़ेद, कभी कभी आपने शायद देखे भी होंगे या न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि कश्मीर में बर्फबारी हुई तो वो बर्फबारी होने लगी और ओले पड़ने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये तो सचमुच में सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे जैसा कि उसने कहा था। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो जो बच्चे थे जैसे ही उन्होंने सफ़ेद सफ़ेद वो ओले गिरते हुए देखे, वो उन्हें मतलब जैसे होता है ना, अगर जैसे हमारे घर के आसपास बारिश और ओले भी गिरे तो हमें कहीं ना कहीं ये रहता, अरे हम भी ओले मतलब एक दो अपने हाथ में ले लें, तो वो भी उन्हें लेने के लिए गए। फ्रोजन पर्ल्स लिखा हुआ है, जमे हुए मोती, उन्हें कंपेयर किया गया है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली, इट डिज नॉट पास क्विकली। अब जो भाई जो किसान है, किसान तो जानता है भाई कोई भी चीज़ अति से ज़्यादा होगी तो खराब होगी, कम होगी तो खराब होगी। अब वो ओले गिरने लगे, बर्फ़ गिरने लगी, वो अब वो कहता है भगवान ये जल्दी रुक जाए, लेकिन वो रुकती नहीं है, मतलब ओले पड़ते रहते हैं। फॉर एन आर द हेल रेंड ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली। एक घंटे तक ये जो ओले हैं, ये जो बर्फ थी, ये पड़ती रहती है घर के ऊपर, गार्डन के ऊपर, हिल के ऊपर, और उसके पूरा जो उसका मक्के का फील्ड था उसके ऊपर, पूरी की पूरी वैली में। द फील्ड वॉज वाइज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई, और जब बर्फबारी रुकती है तो पूरा का पूरा जो एरिया था वहाँ का, इतना ऐसा लगने लगा कि पूरा का पूरा एरिया सफ़ेद नमक से घिर गया हो। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lancho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locusts would have left more than this." अब देखो यहाँ क्या हुआ? जब इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई तो जितनी भी जो उसकी जो फसल थी जिसका वो इंतज़ार कर रहा था, जिसमें पानी उसे डालने की उसे ज़रूरत थी, जो पानी पहले तो खुश हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि बर्फबारी ने पूरी की पूरी पत्तियां वत्तियां सब डिस्ट्रॉय कर दी, कुछ भी नहीं छोड़ा। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो सारे के सारे जो पत्ते वो फूल थे सब उखड़ गए, कुछ भी नहीं बचा। अब जो बेचारा जो लेंचो है भाई, कोई भी किसान जिसने इतनी मेहनत करी हो तो जाहिर सी बात है भाई दुख तो होगा, उसका दिल मतलब बैठ गया पूरी तरह से। अब वो अपने जाता है दोबारा से अपने खेत में, बीच में खड़ा होता है और क्या कहता है अपने बच्चों से कि अगर जो लोकस्ट होती है, जो ग्रास ऊपर की तरह होता है, आपने शायद देखा हो, अगर जब वो अटैक कर देती है किसी भी फील्ड पे तो या किसी भी कॉर्न पे, किसी भी हार्वेस्ट पे, फसल पे, तो कुछ भी नहीं छोड़ती। तो वो कह रहा है कि हार्वेस्ट अगर लोकस्ट भी अटैक कर देती है ना तो वो भी थोड़ा बहुत कुछ छोड़ देती है, लेकिन इस
हेल स्टोन्स ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे सैड फेस लिए हुए खड़े हैं लेंचो, और जो कि अब मतलब दुख मना रहे हैं इस बात का कि वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छी बारिश होगी और ये होगा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न, दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर। अब यहाँ पे लेंचो क्या कहता है कि कुछ भी नहीं छोड़ा, हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए, और ये जो पूरी रात थी वो बहुत ज़्यादा दुख में बीती। अब हमारी हेल्प कौन करेगा, कोई भी नहीं है हमारी हेल्प करने के लिए, और इस साल तो हम सब भूखे मरेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। पर वो सारे लोग जो उस वैली में उस अकेले घर में रहते थे, चाहे वो लेंचो हो या उसके घर वाले हों, उनके घर में बस अब एक आखिरी उम्मीद की किरण बची थी, और वो उम्मीद की किरण क्या थी, एक सहायता, और वो कहाँ से, भगवान से। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज हंगर। अब उसे कुछ याद आता है, क्या याद आता है कि दुख होने की ज़रूरत नहीं है, शोक मनाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान किसी को भी भूख से मरने नहीं देता। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसीलिए तो कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज द डीप इन वंस कॉन्शियस। उस पूरी रात, मतलब जाहिर सी बात है भाई, कैसे नींद आएगी जब इतना नुकसान हो गया, वो एक ही चीज़ सोचता रहा, और वो चीज़ ये सोच रहा था अब तो बस मेरी भगवान ही हेल्प कर सकते हैं। और उसे इतना विश्वास था, और उसे बताया भी गया था कि भगवान के अंदर इतनी शक्ति है। कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतःकरण, यानी आप कि भगवान केवल हमारे शब्दों को ही नहीं, वो हमारे दिल में जो छुपा होता है उसे भी देख लेते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। देखो यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है, वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ये एक तरह की प्रोवर्ब है, इडियम्स है। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो, बहुत ज़्यादा मेहनती हो। तो वो इतना मेहनती था कि अपने फील्ड्स में एक जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे का मतलब है अगले संडे, एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन निकलता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अगले संडे को वो सुबह सुबह ही एक लेटर लिखने लगता है, जो कि वो ये प्लान करता है कि वो खुद देने जाएगा, कहाँ पे, मतलब पोस्ट ऑफिस में। और वो जो लेटर है वो किसके लिए लिखेगा, भगवान के लिए वो लिखने लगता है। और क्या लिखता है, गॉड ही रॉट, If you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come because the hailstorms. और वो ईश्वर को ये पत्र लिखता है कि हे ईश्वर, आपको तो सब पता ही है क्या हुआ है, मेरी पूरी की पूरी फसल ख़राब हो गई है, अब मुझे 100 pesos। अब देखो पैसों ये समझने की ज़रूरत है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में हमारी जो करेंसी है वो होती है रुपीज़। तो ऐसे ही वहाँ पर जो लैटिन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो ये चलती है वो पैसों चलती है। तो वो भगवान से कहता है कि भगवान मुझे 100 pesos चाहिए ताकि मैं दोबारा अपनी फसल उगा सकूं, और जब तक मेरी दोबारा फसल उग के आएगी तब तक मैं अपने घर वालों का, अपने बच्चों का पेट भर सकूं। तो उसके लिए मुझे, क्योंकि हेलस्टॉर्म की वजह से मेरी जो सारी फसल था वो ख़राब हो गई है। ही रॉट टू गॉड ऑन एन एनवलप, पुट द लेटर इन साइड, स्टिल ट्रबल्ड, वेंट टू टाउन, एट पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इन टू द मेल बॉक्स। उसने एनवलप के ऊपर क्या लिखा, टू गॉड। टू गॉड का मतलब जैसे हम एड्रेस लिखते हैं कि भैया ये, तो उसने भगवान का एड्रेस वेड्रेस तो कुछ नहीं, बस ऐसा लिख दिया टू गॉड। उसने लेटर को अपने एनवलप के अंदर लिख के डाला, टाउन में गया और खुद पोस्ट ऑफिस में गया, उस पर स्टाम्प लगाई, स्टाम्प लगाने के बाद उसने वो मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब जो एक एम्प्लॉय था वहाँ पे, जो कि तरह तरह के काम भी करता था, थोड़ा पोस्टमैन भी था, जब उसे वो लेटर मिलता है तो वो बड़ा हंसता है और अपने बॉस के पास जाता है हंसते हुए कि देखना किस पागल ने ये इस तरह का लेटर लिख दिया, भगवान को भी क्या लेटर लिखा जाता है क्या। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही नोन दैट एड्रेस। अब भाई जाहिर सी बात है, वो तो उसका काम तो यही था रोज पत्रों को इधर उधर करना, लेटर बांटना, लेकिन उसने अपने करियर में कभी भी इस तरह का लेटर नहीं दिखाया था जिस पे ये लिखा हो कि भगवान के लिए कोई लेटर हो। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफ
Laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith!" जो पोस्ट मास्टर है पहले तो वो भी थोड़ी देर के लिए हंसता है लेकिन बहुत जल्दी सीरियस हो जाता है और सीरियस क्यों हो जाता है और अपनी डेस्क को टैप टैप करने का मतलब होता है कुछ आवाज़ करना या थोड़ी सी उस पर कुछ मारना ताकि आवाज़ हो और वो कहता है देखिए आज के टाइम में भी व्हाट फेथ का मतलब क्या विश्वास है एक इस इंसान का. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड. अब जो पोस्ट मास्टर है देखो जो पोस्ट मैन का जो बॉस है वो कहता है कि काश कि मेरे अंदर भी इतना ज़्यादा विश्वास होता भगवान को लेके कि इस आदमी का विश्वास देखो कि वो भगवान से करस्पॉन्डेंस कर रहा है. मतलब करस्पॉन्डेंस का मतलब है लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन करना. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया आंसर द लेटर. अब जो पोस्ट मास्टर है अब उसे ये लगता है कि अगर भगवान भाई जाहिर सी बात है भाई भगवान को तो वो कहाँ से भेजेंगे लेटर और भगवान कहाँ से उसकी हेल्प करेंगे. तो वो सोचता है कि इस आदमी का जो विश्वास है भगवान से डगमगाए नहीं तो इसलिए वो सोचता है कि हम इस लेटर का जवाब देंगे भेजेंगे. बट वैन ही ओपन इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब क्या हुआ भाई जैसे ही वो लेटर खोलता है लेकिन अब उसने लगा था कि हमें तो बस आंसर लिखना है तो लिख देंगे लेकिन जैसे ही लेटर खोलता है तो अब उसे पता चलता है कि भैया खाली जवाब नहीं देना अब तो पैसे भी देने पड़ेंगे कुछ. तो लेकिन फिर भी वो अपने रिजोल्यूशन का मतलब होता है डिसीजन. ठीक है तो वो अपने डिसीजन पे अडिग रहता है और खुद भी कुछ पैसे डालता है और अपने एम्प्लॉयज जो भी वहाँ पे काम करते हैं उन्हें भी बताता है. तो वो सब थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं और सब लोग तैयार हो जाते हैं कि इस चैरिटी का मतलब है इस पुण्य का काम अच्छा काम करने के लिए. फिर क्या होता है इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. अब भाई जाहिर सी बात है चाहे पोस्ट मास्टर हो चाहे पोस्ट मैन हो या और भी एम्प्लॉयज़ हो बेचारे वो भी सैलरी वाले पर्सन हैं उन्हें भी कोई सैलरी मिलती है उनके भी बाल बच्चे होंगे तो वो 100 pesos इकट्ठा करने में असमर्थ रहते नहीं कर पाते. लेकिन वो जितने उसने मांगे थे उससे आधे से ज़्यादा. अब देखो उसने मांगे कितने थे भगवान से बताओ मुझे सोचो उसने मांगे थे 100 तो 100 के आधे कितने हो गए 50 तो 50 से ज़्यादा वो कलेक्ट करने में मतलब कलेक्ट कर पाते हैं. ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो विद अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. अब वो दोबारा से उस पैसे को उसमें डाल देते हैं एनवलप में और लेंचो के लिए डाल देते हैं और उस पर केवल एक वर्ड लिख देते हैं गॉड मतलब भगवान की तरफ से. उसे ये लगे लेंचो को बेचारे को कि भगवान ने ही भेजे. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. अब अगले संडे को वो और जल्दी आ जाता है कौन लेंचो. जाहिर सी बात है उसे इंतजार था बेचारे को तो और वो पूछता है आके पोस्ट ऑफिस में अरे भैया मेरे लिए कोई लेटर आया क्या. अब वो पोस्टमैन जिसने कि वो लेटर वहाँ से पिक किया था और अपने बॉस यानी पोस्ट मास्टर को दिखाया था वो खुद उसे वो लेटर दे देता है. और ये वाली चीज़ अंदर बैठ के जो पोस्ट मास्टर था जिसने वो सारा पैसा इकट्ठा किया था और खुद भी कुछ पैसे डाले थे वो अंदर से ही अपनी विंडो से उसे देखता रहता और उसे मन में कंटेंटमेंट का होता है मतलब होता है संतुष्टि. जैसे भाई आपने देखा कोई डॉग है बेचारा भूखा है आपके घर में 2 रोटी पड़ी थी आपने उसे डाल दिए उसने वो रोटी खाई आपने उसे पानी पिलाया तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन आता है. तो अब जो पोस्ट मास्टर है उसके मन में संतुष्टि ये है कि मैंने कितना नेकी का काम किया है कितना अच्छा काम किया मालिक मुझे आशीर्वाद देगा ईश्वर कहीं ना कहीं देख रहा है तो उसके मन में कंटेंट होता है. अब क्या होता है लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money such as his confidence but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake nor could he have denied Lencho what he had requested. अब लेंचो जैसे ही लेटर खोलता है उसे पैसा दिखाई देता है और पैसे देख के उसे बिल्कुल भी मतलब सरप्राइज नहीं होता है भगवान ने पैसे भेज दिए उसे 1% भी मतलब ऐसा नहीं लगता अजीब नहीं लगता. लेकिन जैसे ही वो पैसे को गिनता है उसे ना गुस्सा आ जाता है. गुस्सा किस बात का क्योंकि उसे यकीन है इस बात पे कि ना तो भगवान गलती कर सकते और ना ही भगवान के पास तो पैसों की क्या कमी है वो तो कुछ भी भेज सकते हैं. तो वो
ना ही उसकी रिक्वेस्ट को मना कर सकते। इमीजिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक। तभी वो विंडो के पास आता है और कहता है भैया मुझे एक पेपर है और इंक मिलेगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और एक और लेटर वो लिखने लग जाता है। क्या लिखता है? विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू हिज टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज व्हेन ही फिनिश ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प व्हिच ही लिग्ड एंड देन अफिक्स्ड। अब क्या करता है, वो दोबारा से एक और लेटर लिखता है भगवान को, और उसमें कहीं ना कहीं वो गुस्से से कुछ लिख रहा है। क्या लिख रहा है वो अभी हमें पता चलेगा। और फिर से उस पर स्टाम्प लगाता है, और लिख का मतलब होता है चाटना। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग एनवलप पे ऑलरेडी कुछ लगा होता है, उस पर जीभ लगा के थोड़ा सा उसे बंद कर देते हैं। अफिक्स्ड का मतलब होता है चिपकाना। देखो यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पर लेंचो हाथ में कैप लगी हुई है उसके, थोड़ा सा गंजा है, वो दोबारा से एक लेटर या तो रिसीव कर रहा है या वो डाल रहा है दोबारा से। द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और फिस्ट का मतलब होता है जैसे हम किसी चीज़ को चिपकाने के बाद थोड़ा सा उस पर प्रेशर डालने के लिए तो उस पर घूसा सा मारता है, थोड़ा सा टैप करता है जिससे कि वो और अच्छे से चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब जैसे ही मेल बॉक्स में वो डाल देता है उस लेटर को, पोस्ट मास्टर उसे कलेक्ट करने के लिए जाता है। अब देखो भाई, हमने किसी की हेल्प करी, अगर दोबारा से उसका कोई लेटर आएगा तो हमारे मन में क्या आएगा? हमारे मन में तो ये लगेगा कि उसने थैंक यू का लेटर डाला होगा, भाई थैंक यू, मज़ा आ गया, ये हो गया, इट सेट। लेकिन जैसे ही उसने लेटर को खोला, उसमें क्या लिखा था? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसेज रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। वो कहता है भगवान मैंने तो आपसे 100 पीसेज मांगे थे लेकिन मेरे पास केवल 70 पीसेज ही पहुँचे हैं, प्लीज़ मुझे जो बचा हुआ पैसा है वो भी भेज दो, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार इन मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है ना, ये सारे चोर हैं, मक्कार हैं, इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। और लास्ट में लिखता है लेंचो, यानी कि हुआ क्या हुआ, ये लेंचो को लग रहा है कि वो पैसा भगवान ने भेजा था, भगवान ने उसे पूरे के पूरे 100 पैसेज भेजे थे, लेकिन बीच में इन्होंने फ्रॉड किया है, इन्होंने उसके 30 पैसेज निकाल लिए पोस्ट ऑफिस वालों ने और 70 उसे भेज दिए। ठीक है, तो अब वो भगवान को एक और पत्र लिख रहा है कि भगवान जो मेरे 30 पैसेज हैं प्लीज़ वो भी भेज दो, क्योंकि मुझे और मेरे परिवार को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं देखो इसमें, इस स्टोरी में हमें एक तो लेंचो का जो अडिग विश्वास है उसका तो पता चलता ही है, लेकिन थोड़ा सा हमें ये भी पता चलता है कि लेंचो को प्रैक्टिकल नॉलेज ना के बराबर है, और कुछ मामलों में वो एक फूल की तरह, फुलिश की तरह एक्ट करता है। जिन लोगों ने उसकी हेल्प करी वो उसी उन्हीं के अगेंस्ट, हालांकि अब इसे उसकी ऑनेस्टी कहें या उसका प्योर हार्ट बोलें, प्योर सोल बोलें, ठीक है। सो आई होप कि ये जो लेसन था, ये जो एक्सप्लेनेशन है, आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल इंग्लिश बाबा को। अगर आप मुझसे, यानी कि मेरा नाम है लखन उपाध्याय, मुझसे अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे नंबर 8059041145 8059041145 मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे कॉल करें। आपको अगर दूसरे भी किसी भी चैप्टर की 9 से लेकर 12 तक अगर आपको किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप YouTube पे जाके उस चैप्टर का नाम लिखें और उसके आगे लिख दें इंग्लिश बाबा, आपको वो आ जाएगा। या फिर जो मैंने अभी आपको नंबर दिया है उस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कॉल ना उठाऊँ तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप मुझे उस चैप्टर का, आप वो चैप्टर मुझसे व्हाट्सएप पर मंगा सकते हैं। आई विल सेंड यू। Okay, bye. I will see you with new chapter.